दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सैमसंग गैलेक्सी A51, अभी A50 आपको मालूम है सेल में कुछ 3500 तक आ गया था, अच्छा स्मार्टफोन है। A51 पहले Geekbench पे उसके कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए थे, अब 91 मोबाइल्स ने कुछ इमेजेस जो है उसके हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसके, कुछ इमेजेस लीक किए जिससे पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिकेशन कौन से आने वाले हैं और Geekbench में क्या आया था, अभी 91 मोबाइल्स ने क्या लीक किया, सारी चीजें मैं मिला के बताऊंगा कि क्या ये स्मार्टफोन होने वाला है, किस प्राइस पे आ सकता है, कब तक आ सकता है, ये भी थोड़े लीक्स आए हुए हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं A51 क्या चीजें आपके लिए लेकर आएगा A50 से अलग। पसंद आता लगे मैं तो शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करना, मुझे बताना कि पसंद है। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने कहा कुछ टाइम पहले Geekbench पे लिस्ट हुआ था तो कुछ स्पेसिफिकेशन वहां से पता चले थे जो इंटरनल स्पेसिफिकेशन होते हैं, और उसके बाद 91 मोबाइल्स ने कुछ इमेजेस लीक किए हैं जिससे पता चला, जो उसके इंटरनल इमेजेस हैं जिससे पता चल रहा है कि ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन से चालू करेंगे, तो इसमें आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले आने वाला है। ऑब्वियसली सुपर एमोलेड उसमें भी था तो इसमें भी आएगा, लेकिन 6.5 इंच का होगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा, यू शेप, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले कहते हैं वो लोग, फुल एचडी प्लस का होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरास मिलने वाले हैं वो भी एल शेप में, जो कटआउट्स उससे पता चल रहा है कि एल शेप में चार कैमरास आने वाले हैं। एंड जैसे मैंने कहा 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा, 1080x2340 का रिजोल्यूशन होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे मैंने कहा होगा, रियर साइड पे चार कैमरा है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, पॉलीकार्बोनेट रियर साइड पे होगा, तो बाकी सारी चीजें मिला के देखें तो वैसा ही आने वाला है, कुछ अलग खास नहीं होगा। ग्लास्टिक होगा तो ग्लास प्लस प्लास्टिक, ग्लास जैसा दिखेगा होगा प्लास्टिक, तो सारी चीजें वैसी होने लगे। डिस्प्ले डिजाइन में ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही एल शेप में आपको कैमरा सेटअप मिल जाए, वही थोड़ा सा अलग होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार लास्ट टाइम 9610 आया था, इस बार 9611 आएगा एक्सिनोस का, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है। अब चिपसेट में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जीपीयू जो है थोड़े फ्रेम रेट्स बढ़ा दिए गए हैं तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, थोड़ा सा जीपीयू गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव मिलेगा आपको। वही 9610 जैसा ही 9611 है, 10 nm पे ही बेस्ड है, 8 कोर्स हैं, 8 के 8 कोर्स जो हैं 9 nm पे हैं, एंड ऑक्टा कोर है तो जिसमें 4 कोर 2.3 GHz पे क्लॉक्ड हैं, जो कि आपको कोर्टेक्स A73 वाले परफॉर्मेंस कोर्स हैं, बाकी 4 कोर्स 1.7 GHz पे क्लॉक्ड हैं जो कि कोर्टेक्स A53 वाले एफिशिएंसी कोर्स हैं। माली G72 MP3 का GPU है जिसके फ्रेम रेट्स थोड़े से इंप्रूव किए गए हैं, तो आपको गेमिंग ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, पहले से HDR सपोर्ट करता था, यहाँ भी गेमिंग HDR सपोर्ट करेगा तो अच्छी चीज़ है, तो गेमिंग के लिए चाहिए तो वेट कर सकते हो सैमसंग का फोन। एंड उसके बाद 1,54,000 के आसपास स्कोर होगा जो उसका अंतुतु स्कोर होता है दोस्तों, इसका उतना ही आता है। एंड एंड्रॉइड 10 पे आने वाला है, एंड्रॉइड 10 क्यू के ऊपर डायरेक्ट, जो कि आपको 1 UI 2.0 के ऊपर डायरेक्ट आएगा, जो कि लीक्स पता चले उससे ये पता चला है कि ये डायरेक्ट 1 UI 2.0 के ऊपर आने वाला है, जो कि एंड्रॉइड क्यू के ऊपर बेस्ड होगा, अच्छी चीज़ है, परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है दोस्तों। अब आते हैं कैमरा सेगमेंट में, तो कैमरा सेगमेंट में रियर साइड पे क्वाड कैमरास होंगे जो कि एल शेप में होंगे जो पता चला है अभी तक। पहला कैमरा जो होगा दोस्तों 48 MP का, वही GM2 वाला सेंसर आएगा, जो नया सेंसर है GM2 का वो होगा, जो कि F1.7 अपर्चर के साथ आएगा, अच्छी चीज़ है। अब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा नहीं बताया अभी तक, क्योंकि अगर A50 की बात करोगे तो उसमें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन A50S जो आया था उसमें सपोर्ट करता था, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि सपोर्ट करे, अच्छी चीज़ है। बाकी 3 सेंसर में जो 2 सेंसर्स हैं वो अल्ट्रा वाइड हैं और टेलीफोटो लेंस हैं, जो कि 120 डिग्री तक आप अल्ट्रा वाइड वीडियोज भी निकाल सकते हो, दोनों के अपर्चर F2.2 के हैं एंड दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं, जिनका यूज़ आप अल्ट्रा वाइड वीडियोज, अल्ट्रा वाइड फोटोज एंड टेलीफोटो यानी जूम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट वाला सेंसर जो है 5 MP का सेंसर है, जो कि आपको बुके फोटोज के काम आएगा। फ्रंट साइड में 32 MP कैमरा है, अच्छी चीज़ है, इसका बजट F2.0 का, वहाँ से आप 1080 रिजोल्यूशन वाला वीडियो निकाल सकते हो, तो कैमरा अप टू द मार्क होगा मेरे हिसाब से। 4K दें रियर साइड से, देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे हिसाब से देंगे, बाकी बुके पैनोरामा HDR सब कुछ कर सकते हो, कैमराज में कोई डिफरेंसेस आने वाले नहीं है दोस्तों। बैटरी डिपार्टमेंट में पता चला है कि A50 को ही कॉपी करने वाले हैं, 4000 mAh की बैटरी आएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं बता सकता, लेकिन कह रहे हैं कि 4000 के आसपास ही बैटरी आएगी, जिसके साथ आपको 15W का ही चार्जर मिलेगा और टाइप सी का पोर्ट आने वाला है, इसमें कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं आने वाले। मेरे हिसाब से 18W दे तो अच्छा होता था, लेकिन लास्ट टाइम की तरह इस बार भी कह रहे हैं, अभी पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना, ज़्यादा सीरियस नहीं आना, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें आपको 15W का ही चार्जर आएगा। सेंसर सारे हो जाएंगे इसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आने वाला है, 3.5 mm जैक आएगा, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जितने भी सेंसर्स हैं, सेंसर्स का मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सेंसर्स का वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बनाया है, जाके देखिए सेंसर्स के क्या काम होते हैं दोस्तों, जाके चेक कीजिए, मैंने वीडियो बहुत मेहनत की उसके ऊपर,
चलिए तो सेंसर सारे आने वाले हैं, वहां पे कोई इशू आपको नहीं आएगा दोस्तों। स्लॉट डेडिकेटेड होगा, जो लीक्स आए हैं जो फोटोज भी है उससे पता चला कि डेडिकेटेड स्लॉट होगा जिसको आप 1 TB तक बढ़ा सकते हो, 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो। वेरिएंट की बात करें तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन पता चला है कि एक वेरिएंट 4GB 64GB वाला होने वाला है, जो कि प्राइस मेरे हिसाब से 18,000 के आसपास है। अब ये नहीं पता कितने का आएगा, मेरे हिसाब से 18,000 का आएगा। और कितना 6GB RAM वाला आएगा कि नहीं आएगा अभी तक नहीं पता चला, लेकिन ये पता चला है कि 4GB RAM वाला वेरिएंट इसमें आने वाला है दोस्तों। अब लॉन्च की बात बताएं तो लॉन्च पता चलता है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 यानी मार्च मेरे हिसाब से फेब में, जहां तक मुझे लग रहा है फरवरी तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। देखें किस प्राइस पे आता है, किन चीजों के साथ आता है, क्योंकि अभी तक इतनी चीजें पता चली हैं वो मैंने बताया है। वेट करते हैं फरवरी तक का, देखते हैं कब ये लॉन्च होता है दोस्तों। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A51, आने वाला है इंडिया में फरवरी में। ये सारे स्पेसिफिकेशन, ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, कैमरा वैमरा को छोड़ दिया जाए, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस आपको A50 या A50S से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा है, जब लॉन्च होगा देखेंगे कैसा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि A50 को तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, क्योंकि बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत अच्छे प्राइस पे आया था। अच्छी चीज़ है, देखते हैं कब लेकर आते हैं, किस प्राइस पे आता है, क्या करते हैं उसके साथ। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए, क्या स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सेंसर्स वाला वीडियो जरूर जाके देखना, मैंने बहुत मेहनत की उसके ऊपर। अभी के लिए इतना ही, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, साइड में देखो बेल आइकन उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अच्छा।